हेलो एवरीवन, वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपन मनंकु स्वागत करुछि। तो ए वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करबा ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा रिसेंटली आपन कर रेगुलर हाई स्कूल टीचर रो जो परीक्षा कंडक्ट करा जायछि, जेकि मेन रिटन एग्जाम 15 सेप्टेम्बर 2023 रे आपन कर परीक्षा कंडक्ट करा जायतला। तो ऑब्जेक्शन रेज करिया पई से माने लिंक दैछंती, एसे देखंतु पीडीएफ मध्ये हम डाउनलोड करि सरिछु। देखंतु सेतिर आपन कर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहिछि सेगुड का हम डिस्कशन करबा अपकमिंग कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई। देखंतु आपन कर टीचर सिविर एग्जाम जेतु रही थिला, तो आपन को सेते पेडागोजी मध्ये रही छि, इंग्लिश ओडिया क्वेश्चन मध्ये रही छि। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को जो कॉमन क्वेश्चन जोटा हमरो रही छि समस्त परीक्षा पई, जेमिति हमरो अपकमिंग जो ओएसएससी परीक्षा कंडक्ट करा जिवो, सेते आपन को हिस्ट्री क्वेश्चन आसीबो, पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन आसीबो, इकोनॉमी रो क्वेश्चन आसीबो, ज्योग्राफी रो क्वेश्चन आसीबो। तो सेई पार्ट मध्ये आपन को एई पीडीएफ रे रही छि। तो आमे केवल सेपरेट जो रही छि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी रो जो क्वेश्चन रही छि सेगुडी को एई वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा, कारण कॉमन क्वेश्चन रही छि अपकमिंग परीक्षा रे क्वेश्चन गुड़िक आसबार चान्सेस रोचे। आपंकर देखते पीडीएफ डाउनलोड कर टीचरशिप परीक्षा पर रेडी होती पेडागोजी में आप पीडीएफ डाउनलोड कर भल भाव में पढ़ीपरेंगे। रिविजन पर्पज पर आम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी क्वेश्चन ये वीडियो डिस्कसन करा। तो वीडियो सेशन जब आपको भल लगे नहीं लाइक करदे, चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित सपोर्ट करूँ। तो चलत डिस्कसन गुटा स्टार्ट करवा। प्रथम आम स्टार्ट करवा 20 नंबर क्वेश्चन जोठार कि आपंकर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन रही। तो देखंतु हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन स्टार्ट होला। नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ हिज डैश और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फिल ऑफ द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देखंतु आपनकर एठे कोन रहइबो, लाइफ रहइबो, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर, डिप्राइड ऑफ हिज लाइफ एंड और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एठी लाइफ हो सटिक उत्तर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु टू हुम इज द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कलेक्टिवली रेस्पोन्सिबल। देखंतु यार सटिक उत्तर कौन, तो यार सटिक उत्तर होची ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु फ्रीडम इज बाय माय बर्थ राइट, हु सेड इट। देखंतु ए क्वेश्चन दा सीबीएट रे कंपलसरी क्वेश्चन, तो बाल गंगाधर तिलक कहिथिले हमर फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। देखो 11th शेड्यूल आम कॉन्स्टिट्यूशन डील करे कौन, पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु इन द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रीटेड एज ए ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट। देखंतु ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट होची एजुकेशन, ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आर्टिकल 19 डज नॉट मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आर्टिकल 19 आमर कौटा मेंशन कैनि, तो समस्त मन रखु राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो सठिक उत्तर होती ऑप्शन सी होती है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार सठिक उत्तर कौन, सठिक उत्तर होती ऑप्शन बी टू सपोर्ट ऑल द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो सठिक उत्तर होती ऑप्शन बी होती है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखंतु यार सटिक उत्तर कौन, सटिक उत्तर होची अटॉर्नी जनरल, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द रिजोल्यूशन फॉर क्वेट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन व्हिच सिटी। देखंतु रिजोल्यूशन फॉर द क्वेट इंडिया मूवमेंट हमर पास होइतिला बॉम्बे रे, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट आसोसीएटेड विथ द मानहट्टन प्रोजेक्ट। देखो मानहट्टन प्रोजेक्ट सहित जो साइंटिस्ट आसोसीएटेड थे से होती रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो सटिक उत्तर होती ऑप्शन सी होती है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब द कलिंग वार। देखंतु ऑलरेडी क्वेश्चन मुझे बारंबार डिस्कशन कर सारी रॉक एडिक्ट 13, तो आपंकर ऑप्शन सी होती करेक्ट आंसर, रॉक एडिक्ट XIII। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार सटिक उत्तर होची डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉरेन गवर्नमेंट, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित जो डील करे से आर्टिकल 44, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर। केवल आम बर्तमान सुधा लागू होची कोठी गोवा रे, गोवा स्टेट लागू होची। नेक्स्ट देखंतु इन व्हिच सिटी वाज द आर्चड्यूक फर्निडाड आसासीनेटेड। देखंतु आर्चड्यूक फर्निडाड जे कि आसासीनेटेड होइतिले सारोजीव रहितिले, तो सटिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर।
ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଏଫ୍ ଡି ରୋସେଲ୍ ଭେଲ୍ଟ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ନ୍ୟୁ ଡିଲ୍, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଏମେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟିସ୍? ତ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫିଲୋସଫିକାଲ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଅଶୋକାନ ପିଲାର ଇଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଅଶୋକାନ ପିଲାର ଇଜ୍ ପଲିସ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋୟାର ଡିଡ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସାଲଭେସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଚାର୍ଭକା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଚାର୍ଭକା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ସିସ୍ ପାୱାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେଉଁଟା ମେମ୍ବର ନୁହେଁ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମେମ୍ବର ନୁହେଁ ଆକ୍ସିସ୍ ପାୱାର, ତ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦାଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ରଥମେ କଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 40 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମାନେ 21 ନମ୍ବରରୁ 40 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପକମିଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ସବୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିବିଏଟି ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇକୋନୋମି ଜିଓଗ୍ରାଫି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ମୁଁ PDF ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ମିଟ୍ସ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ନିଡ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ମିଟ୍ସ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ନିଡ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ମାନେ ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ? ତ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଲାଇକ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି, ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍, ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ 1000 ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ଅଫ୍ 5%, ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ତ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 20,000, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 20,000, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ପୀର ପଞ୍ଜାଲଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲେସର୍ ହିମାଳୟ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ର କେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ, ମାର୍ବଲ୍ ଦେଇଛି, ସ୍କିଞ୍ଚ ଦେଇଛି, କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ ଦେଇଛି, କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ତ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ସନ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍ ଟୁ ଆନଦର, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରେଣ୍ଟଲି ବିଙ୍ଗ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନୀତି ଆୟୋଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦାଟ୍ ଦ
need to move away from calorie-based measurement of poverty in India. देखंदु यार सटीक उत्तर टे होची जे सजेस्ट करथिले need to move away from the calorie-based measurement of poverty in India से होचंदी सुरेश तेंदुलकर तो सटीक उत्तर टे होची ऑप्शन ए होची ठरे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अक्टोबर एंड नवंबर मंथ्स गिव मोर रेनफॉल इन. देखंतु अक्टोबर आ नवंबर मास रे हमरो मोस्टली रेनफॉल कोठे बेसी हुए कोरोमंडल कोस्ट रे हुए तो सटीक उत्तर टे होची ऑप्शन बी होची ठरे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई इज नोन एज. देखंतु एई क्वेश्चन टी कंपलसरी क्वेश्चन इकोनॉमी रे एई क्वेश्चन टी कंपलसरी क्वेश्चन तो मन रखंतु द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट. देखंतु जितले आपनकर माने हमर जो रेट रे कमर्शियल बैंक माने बोरो करिवे फंड जेके आरबीआई रु सेतले हमर एटा होची रेपो रेट तार अपोजिट हे गेले माने जितले बैंक थारु आरबीआई करिवो लोन टा तो सेटा हे जे हमर रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बुझिपारे तो आप क्वेश्चन कंपलसरी परीक्षा आस भल भाव मन रखु. नेक्स्ट क्वेश्चन देखु द 66 वन बाय टू जीरो नर्थ अफ इक्वेटर इज नोन आज. देखो आर्कटिक सर्कल यहाँ हूँ पॉइंट तो मन रखु 66 वन बाय टू डिग्री नर्थ अफ द इक्वेटर इज नोन आज आर्कटिक सर्कल यहाँ आपंकर पॉइंट तो सठिक उत्तर होती ऑप्शन ए होने करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. देखंतु करेक्टली कोटा नॉट करेक्टली मैच पचारिछि तो बॉक्साइट कोरापुट रे नै बुझबेले तो आपन गोटा होची नॉट करेक्टली मैच तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मैप स्केल इज ए यूनिवर्सल मेथड. देखंतु यूनिवर्सल मेथड कोटा तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टा होची गोटे मेथड ऑफ मैप स्केल इज यूनिवर्सल मेथड तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉट अबाउट बाय ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ड्यू टू ए फॉल इन द फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टालिटी इज कॉल्ड तो यहाँ को हमर कहा जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन इज ए कोल्ड करंट. देखंतु कोल्ड करंट कोटा ऑप्शन देची खुरुसियो करंट ब्राजिलियन करंट गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर करंट तो देखंतु एठारे कोल्ड करंट होची लैब्राडोर करंट तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर यूज टू मेजर. देखंतु हाइग्रोमीटर टा हमरो यूज करा जाय मेजरमेंट करा जाय ह्यूमिडिटी तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच प्लाटेव इज लोकेटेड बिटवीन आरावली एंड विंध्य रेंज. देखंतु आरावली और विंध्य रेंज रे हमरो जो प्लाटेव लोकेटेड रहै छै एटा होची मालवा रीजन तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन डी होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज अनस्किल्ड वर्क इन ए ईयर टू रूरल पीपल हु सीक एम्प्लॉयमेंट. देखंतु यार सटीक उत्तर होची मनरेगा आपण जानिथिबे MGNREGS तो आपण सटीक उत्तर होची ऑप्शन सी होची ठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ये महात्मा गांधी जो ना रही है जानते रूरल स्कीम टा जोटा मनरेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम. देखंतु कोटा पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नुहे तो ये सटीक उत्तर होची मेक इन इंडिया टा गोटे नॉट ए पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन सी. देखंतु आपनकर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन एवं इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो क्वेश्चन मुझे वीडियो डिस्कशन कर देसी या सहित आपनकर पीडीएफ टी मु टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर दउछी जो माने टीचरशिप परीक्षा पे प्रिपरेशन करुछंती से माने पेडागोजी को भला रे देखिनेबे या सहित इंग्लिश ओडिया क्वेश्चन मध्ये आपन प्रैक्टिस करनेबे पीडीएफ रु तो केवल आपनकर जो कॉमन क्वेश्चन आपनकर जो अपकमिंग परीक्षा रहिछि जेथरे के आपनकर हिस्ट्री क्वेश्चन आसीबो पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन आसीबो इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो क्वेश्चन आसीबो टोटल मु डिस्कशन कर देसी आपनकर अपकमिंग परीक्षा पे क्वेश्चन गुडी रिवीजन पर्पोज पे डिस्कशन कर दीची निहाती आपको हेल्पफुल रहिबो. वीडियो सेशन जदि आपन भल लागिथिबो निहाती लाइक कर देबे वीडियो टी संग मानक मधे शेयर करिबे सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग. जय जगन्नाथ.